हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कार्टन बॉक्स और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल टेक ट्यूबलाइट पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एएमडी ने अभी 31 तारीख को अनाउंस किया था कि वो अपना जो रेडॉन आरएक्स वेगा जो सीरीज है वो लॉन्च करेंगे एंड यूएस में जिसका प्राइस होगा $399 फॉर वेगा 56, $499 फॉर वेगा 64 एंड लिक्विड एडिशन जो होगा उसका प्राइस रहेगा 599। तो कार्ड्स के बारे में आप लोगों को जितना भी पता हो, तो 399, $499, $599 जो है इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 25,000, 35,000 और 45,000 रुपए के आसपास आता है। बट अभी जो वेगा के बारे में जो न्यूज मिली है एंड इंडिया में जो इसके प्राइसेस लॉन्च हुए हैं, जिस प्राइस पे ये लॉन्च हुआ है, आई डोंट नो कि मतलब एएमडी क्या सोच रहा है, क्यों वो इस टाइप का डिसीजन ले रहा है, जब यही ट्रेंड हमने इनके थ्रेडरिपर सीपीयू के साथ भी देखा था। बट थ्रेडरिपर सीपीयू जो था वो उसका प्राइस $999 है यूएस में, तो इंडिया में इट इज कॉस्टिंग अराउंड 80,000, विच फिर भी मेरी नजरों में ठीक है। बट अभी अभी जो एक इंडियन रिटेलर है एमडी कंप्यूटर्स, उसने लॉन्च किया है वेगा की प्राइसिंग एंड अगर आप उसके देखे तो तीन जो उसके जो मॉडल्स है, सेफायर ग्राफिक्स आरएक्स वेगा 64 8GB HBM2 मेमोरी वाला जो है, जो कि आपका नॉर्मल 499 प्राइस जिसका होना चाहिए था यूएस डॉलर्स में, जो कि इंडिया में वी वर एक्सपेक्टिंग कि अराउंड 40,000 से 45,000 के बीच में लॉन्च होगा। अगर आप लोग देखेंगे तो उसका प्राइस यहाँ पे 86,490 रुपीज दिखाया जा रहा है एंड एस्टिमेट डिस्पैच जो है वो 6 सितंबर से दिखाया जा रहा है। तो मुझे नहीं पता ये इतना प्राइस, मतलब इंडियन का ग्लोबल, मतलब आई डोंट नो व्हाई एएमडी, जिन्होंने जो अपने राइजन प्रोसेसर्स को कंपेरेबल प्राइसेस पे लॉन्च कर सकते हैं इंडिया में, वो क्यों नहीं जो उनका जीपीयू जो है उसको इंडिया में अच्छे प्राइस पे लॉन्च करते हैं, मे बी एक अप्रोचेबल प्राइस पे। दिस 86,490 जो प्राइस है, जो कि उनका जो कि इस वीडियो जो कि इस जीपीयू का प्राइस दिखा रहे हैं, 87,000 जो कि उनका जो लिमिटेड एडिशन ग्राफिक्स कार्ड है उसके लिए है एंड जो लिक्विड वाला वर्जन है जो कि 599 का है यूएस में, वो 99,000 का वो प्राइस है इंडिया में। तो मैं इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। एएमडी एज ए कंपनी, अगर एएमडी एंड सेफायर एज ए कंपनी, अगर आप लोग जीपीयू को इस तरह से आप लोग बेचना चाहते हैं इस मार्केट में, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको इंडिया में कोशिश भी करनी चाहिए बेचने की। ये 86,000, 87,000 and 99,000 का जो प्राइस है, विच इट इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल मेरे हिसाब से एंड आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आप लोग वीडियोस, जो भी आप लोग जीपीयू लेके आ रहे हैं, वो एटलीस्ट यूएस का जो प्राइस आपने लॉन्च किया है उससे सेनली, दिमाग सही रख के उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से थोड़ा सा ज्यादा रखो, बट यार ये प्राइसेस तो मत रखो। तो आई थिंक यहाँ पे एएमडी और सेफायर आई डोंट नो क्या कर रहे हैं, बट जैसा कि ऐसा लग रहा है कि जो इंडियन आप लोगों का जो देखने का या खरीदने का जो जीपीयू खरीदने का सपना है एएमडी वेगा के लिए, अगर आप लोग वेट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। बिकॉज आपको, आप देखेंगे तो 50,000 से 60,000 में आपको 1080 मिल जाएगा, 75,000 से 85,000 के बीच में आपको 1080 Ti मिल जाएगा, तो कोई क्यों फिर एएमडी वेगा के पीछे जाएगा अगर एक 1080 Ti का जो परफॉर्मेंस है वो मिल रहा है। एंड हम लोगों को अभी तक पता है कि ये जो जीपीयू है ये 1080 Ti को तो कभी भी किसी भी एंगल से क्रॉस नहीं करेगा। सो ये जो मेरा वीडियो है ये इट्स नॉट अ प्लान्ड वीडियो, बट मैं जो प्राइसेस हैं उसको देख के बहुत ही डिसहार्टन हुआ हूँ। मेरे को नहीं बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ऐसा एएमडी ने क्यों किया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये अराउंड 45,000 से 50,000 के बीच का प्राइस ब्रैकेट फॉलो करेंगे, जो कि बिल्कुल नहीं है। एंड आप लोगों को क्या लगता है बताइए कमेंट्स में, अगर कोई मेरे से डिफर करता है तो प्लीज एक्सप्लेन कि क्यों एएमडी का प्राइस इतना ज्यादा है। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जयराम जी की।